मायावती करेंगी मंथन। लखनऊ से बड़ी खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती करेंगी मंथन। उपचुनाव के नतीजों के बाद बसपा सुप्रीमो की पहली बैठक। बसपा प्रदेश अध्यक्ष, सभी जोन इंचार्ज हो रहे हैं इसमें शामिल। संगठन स्तर पर फेरबदल कर सकती है मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती करेंगी मंथन। उपचुनाव के नतीजों के बाद पहली बैठक होने जा रही है बसपा प्रदेश अध्यक्ष और सभी जोन इंचार्ज हो रहे हैं इसमें शामिल। संगठन स्तर पर फेरबदल कर सकती है मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती करेंगी मंथन। उपचुनाव के नतीजों के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती बैठक करने जा रही हैं और इसी खबर पर हमारे सहयोगी कौशलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, उपचुनाव के बाद पहली बैठक करने जा रही है मायावती, क्या कुछ इस बैठक में सामने लेकर करा सकता है, क्या कुछ मंथन हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये इस उपचुनाव में बसपा ने जिस तरह से अपनी पार्टी अपने तरफ से जो है प्रत्याशी उतारे थे, उसके बाद एक सीट जो अंबेडकर नगर में जलालपुर वाली थी क्योंकि वो बसपा के खाते में थी, वो भी सीट बीजेपी कब्जा कर ली है, वहाँ जो है बसपा हार गई है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए जो कैडर के लोग हैं, जो जमीनी बसपा के नेता हैं, उनको क्योंकि इस बार पार्टी ने चुनाव में टिकट दिया था, उनको मैदान में उतारा था, तो उसी की समीक्षा एक होगी जिसमें प्रदेश स्तर के लिए के जोनल इंचार्जों को इस बैठक में बुलाया गया है और तमाम उन चीज़ों पे चर्चा की जाएगी कि आखिर में कि अगर 2022 का हम चुनाव लड़ेंगे किस बेस पे लड़ेंगे, आखिर में उस जमीनी स्तर के जो नेता हैं, अगर पार्टी की तरफ से कई बार आरोप लगा कि जो है जो जमीनी नेता हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है, कैडर के लोगों को पूछा नहीं जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती इस उपचुनाव के नतीजे में, क्योंकि कई प्रत्याशी अच्छे लड़े हैं, जहाँ भी देखा जाए जो वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो वोटिंग भी बसपा के खाते में हुई है और जो लोकसभा का चुनाव गया जिसमें समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था उसके बिहाव पे अगर देखा जाए तो बसपा का भी प्रदर्शन ठीक ही रहा है, भले इस चुनाव में एक भी सीटें ना निकाले लेकिन जो वोट है उनका, जो कैडर का वोट है, वो कहीं ना कहीं बसपा के खाते में गया है। इससे बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बैठक बुलाई और ये बैठक करीब जो है इस उपचुनाव के बाद, उपचुनाव जो हुए हैं उसके बाद ये पहली बैठक है और जिसमें संगठन का आपको बताएं कि अपने ही चैनल ने दिखाया था कि बहुत ही जल्द बसपा उत्तर प्रदेश में जो है संगठनात्मक बदलाव करने जा रही है, उसको भी लेके लोगों का फीडबैक लिया जाएगा, उसमें देखा जाएगा और जो नेता जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहे हैं या पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जाएगा और जो कार्य कर रहे हैं, जो पार्टी के हित की बात कर रहे हैं उनको अब लाइमलाइट में लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए जो आज एक बैठक है महत्वपूर्ण होगी, ये बसपा के लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है कि आज जो बैठक होगी उसमें कुछ ना कुछ नतीजा अच्छे निकल के आएंगे। अब ये देखना होगा कि अगर 2022 के चुनाव की हम बात करें तो जो होने वाले विधानसभा चुनाव में उसमें पार्टी जो अपना वो पक्ष रखती है, आखिर जनता के बीच में जो चीज़ लेके जाना है उसको लेके भी चर्चा की जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि संगठन में बदलाव की एक ज़रूरत जो पार्टी करती है चुनाव के बाद, हमेशा देखिए कहीं ना कहीं बदलाव होता है, राजनीतिक पार्टियाँ चुनाव के बाद संगठन में बदलाव करती हैं, तो उसके दृष्टिगत भी देखा जा रहा है कि संगठन में भी बड़े बदलाव की संभावना दिखाई दे रही है। जी कौशलेंद्र जी, सभी जोन इंचार्ज को भी इस बैठक में बुलाया गया है, साथ ही साथ कई तरह के फेरबदल की भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, किस तरह की दिशा निर्देश सभी को दिए जा सकते हैं? देखिए जो बसपा का जो कैडर है उस बसपा की जो बात की जाए, सोशल इंजीनियरिंग की बात की जाए, क्योंकि 5 साल सत्ता में खुद फुल मेजॉरिटी में गवर्नमेंट मायावती बसपा सुप्रीमो चला चुकी हैं, उनको ये पता है कि जब हम गवर्नमेंट में आए थे उस समय के जो हालात थे, हम किस विपरीत में जाके उनको जो है सामना किया, उसके बाद हमें सत्ता हासिल हुई। उसी के बाद देखिए जब विधानसभा के चुनाव हुए, जब सामने आया मामला पूरा जो है कि ये सब 2012 में जब चुनाव हुआ वहाँ पर समाजवादी पार्टी को मेजॉरिटी मिली, बसपा को लोगों ने दरकिनार कर दिया, उसके बाद जब
इनका गठबंधन शुरू हुआ और जो 2017 में इनकी जो फिरजा थी बसपा की वो कहीं ना कहीं एकदम स्थिति, और 2014 के लोकसभा में एक भी सीट लोकसभा में नहीं जीत पाए। तो जो बसपा के नेता हैं और जो लोग थे वो कहीं ना कहीं जनता के बीच जो जाने की जो एक परंपरा होती है वो कहीं ना कहीं भूल चुके थे और उनसे दूरी। तो अब वही चीज होगा कि उनको दिशा निर्देश दिया जाएगा कि जनता के बीच में जाएं और अपनी पार्टियों की जो 5 साल सत्ता में रहे उस समय के जो कार्यकाल रहा है उसकी जो चीजें थी, जो उसके जो है विकास की बात थी, जो चीजें की जा रही थी, जो जनता चाहती थी, उसको ले जाके बताएं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम आगे क्या क्या हमारी रणनीति होगी, कैसे हम सरकार चलाएंगे, तो इन सब चीज़ों को लेकर दिशा निर्देश दिया जाएगा। और वहीं अगर हम संगठन की बात करते हैं तो संगठन में जो लोग बस पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, सब अपने एक निजी स्वार्थ के लिए पार्टी सिर्फ एक जुड़ाव रखने रहे हैं, तो उनको भी आज एक कड़ा संदेश दिया जाएगा कि या तो जो है पार्टी के लिए काम करिए और जनता के बीच में जाइए, नहीं तो आपको दरकिनार कर दिया जाएगा। तो ये जो 3 चीज़ें सामने आ रही हैं जिस पर बसपा सुप्रीमो मायावती आज जो पार्टी के नेताओं के जोनल इंचार्जों को और प्रदेश के जो कार्यकारिणी से लेके जो भी पदाधिकारी हैं सबको दिशा निर्देश देंगे। जी कौशलेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। बसपा सुप्रीमो मायावती करेंगे मंथन, उपचुनाव के नतीजों के बाद बसपा सुप्रीमो की पहली बैठक।